आज आपको बताते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसको सुन करके आप भी हिम्मत की दाद दिए बिना नहीं रहेंगे। जी हाँ, जहाँ माँ बेटे की हिम्मत ने एक बड़ी घटना को होने से बचा लिया और एक मिसाल कायम कर दी। ज्वेलर्स की दुकान पर घुसे बदमाशों को माँ बेटे ने बिना जिंदगी की परवाह किए बगैर उन हथियार बंद बदमाशों के छक्के छुड़ा दिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नौबस्ता थाना अंतर्गत माँ वैभव लक्ष्मी के नाम से स्थित है ज्वेलर्स की दुकान, जहाँ कल शाम जब करण गुप्ता आराम से अपनी शॉप पर बैठे थे, तभी एक बदमाश हेलमेट लगाए हुए आया और अंगूठी दिखाने की बात करने लगा। जैसे ही करण ने अंगूठी का डब्बा उठाया, वैसे ही उसके अन्य साथी तमंचा लेकर अंदर घुस गए और उसके सीने में लगा दिया और सारा माल बटोरने में लग गए। तभी करण ने हिम्मत का काम किया और किसी तरह बदमाश की बंदूक छीनकर अपनी माँ की तरफ फेंक दी और माँ ने समझदारी से काम लिया और बंदूक जाकर अंदर छुपा दिया। और जब तक करण उन बदमाशों से अकेला लड़ता रहा, इसके बाद माँ ने बाहर जाकर शोर मचाया तो आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए और उनमें से तीन बदमाश को पकड़ लिया, जिसमें दो बदमाश करीब 6 लाख का माल लेकर फरार हो गया। वहीं मौके से गुजर रही पुलिस ने जब भीड़ लगी देखी तो सारा मामला सामने आया और पुलिस उन तीनों को थाने ले गई और बंद कर दिया और पीड़ित से थाने आकर तहरीर देने की बात कही। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के सैकड़ों लोग उन बदमाशों को देखने के लिए थाने में इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस उन भागे हुए बदमाशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है और जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरी दुकान माँ वैभव लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से आवाज विकास चौराहे पर हम बैठे थे खाली। एक बंदा भैया अंदर घुसा, उसने तुरंत ही कहा कि अंगूठी है लेडीज, तो हमने कहा हाँ है, तो कहने लगा दिखाओ। तो हमने पहले कुछ हमें शक हुआ तो हमने मना कर दिया, फिर हमने सोचा वापस चला जाए कस्टमर, हमने उसको निकाल के दिखाया। दोबारा निकालने के बाद जब दिखाया तो तुरंत ही एक बंदा अंदर आके तुरंत सामने उसने तमंचा लगा दिया। तमंचा लगाने के बाद उसने हमने तुरंत मेरा दिमाग खराब हो गया, तिजोरी तुरंत ही लॉक कर दिया, तमंचा हमने तुरंत ही पकड़ के उसकी तरफ कर दिया। तमंचा उसने इसलिए नहीं चलाया कि ऐसा ना हो मेरे किसी साथी को लग जाए। तो बस तब तक हमने मम्मी को आवाज़ दी, मेरी मम्मी आ गई, उन्होंने सबको अगल बगल मोहल्ले वालों को आवाज़ दिया, दो उसमें से भाग गए, तीन को तो हम लोग ने पकड़ लिया। को पकड़ा है, पुलिस को सूचना दी, तीन लोग कहाँ? उधर से एक गाड़ी जा रही थी पुलिस की गश्त से, बाइक वाला, तो वो वहीं रुक गया, तो पुलिस को सूचना देने उसने बुला लिया सब अपने। लोग पकड़े गए, तीन लोग पकड़ लिए गए। क्या पहचान हो पाई कहाँ के हैं, किस तरीके से? अभी तो चौकी में है, थाने में है, थाने में है, थाने में जा रहे हैं तहरीर देने। तहरीर देने क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना, पुलिस से बात हुई तो अभी तो कोई बात नहीं हुई, अब बात हुई। क्या लग रहा था, किस तरीके से घटना को अंजाम देना चाहिए? वो तो इस तरीके से मतलब संघर्ष किया, वो पांच लोग थे। अब बस ये सही है कि बस तमंचा उनका मेरे हाथ में आ गया, तो हमने तमंचा फिर मम्मी को, अपनी मम्मी को पकड़ा दिया, मम्मी मेरी अंदर ले जाके उसको तमंचे को तुरंत ही फेंक दिया। तो बस ये कहिए, बस तमंचा चला गया उनके हाथ से, तभी वो बच गए, तभी हाथ पैर की उन्होंने लड़ाई पकड़े गए, दो भाग गए। किस चीज़ से वो लोग आए थे आपके? अब एक तो अपाचे थी, वो गाड़ी वगैरह भी पकड़ी, हाँ गाड़ी भी पकड़ी गई, दो गाड़ी पकड़ी गई, एक जुपिटर है, एक अपाचे गाड़ी आ गई।